as alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our series, Nafsat. Uh, I will give the credit to um, the boring psychologist, Ahmed Bilal. I'm super excited to bring this series uh, to our uh, audiences, inshallah ta'ala. A little bit about Ahmed, inshallah ta'ala. Agar you uh, mashallah. Uh, Emil is a psychologist and he's been a professor uh, in a university uh, teaching the youth for a certain number of years. He has his own practice. You can find his work on Instagram and TikTok as the boring psychologist. But I've been following his work. I admire his work. I really think his work is commendable. Mashallah tabarakallah. And uh, Alhamdulillah, time diya thoda <laughs> तो हम आज थोड़ी सी बातें करेंगे क्यों ये बातें जरूरी थी या क्यों मुझे लगा कि इस तरह का एक सीरीज होना चाहिए उस वो आपको अभी थोड़ी देर में हम लोग इंशाल्लाह ताला इट विल अनरैवल सो so, बिस्मिल्लाह अहमद कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइन थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी थैंक नहीं अलहम्दुलिल्लाह बिकॉज़ आई एम अ कोच एंड यूर आर साइकोलॉजिस्ट एंड वी बोथ वर्क विथ मेंटल हेल्थ ठीक और uh, मैं हालांकि यू एस में हूँ लेकिन मेरी मेजोरिटी जो क्लाइंटल है वो पाकिस्तान में है या मिडल ईस्ट में है मतलब पाकिस्तानी इंडियन द द सेम उर्दू स्पीकिंग हिंदी अंडरस्टैंडिंग पीपल राइट तो ए और स्पेशली यूथ के साथ आप भी काम कर रहे हैं और मैंने पेरेंटिंग पे किताब भी लिखी है इंग्लिश में भी उर्दू में भी और पेरेंटिंग के हवाले से मैंने शुरू किया था आहिस्ता आहस्ता मुझे समझ आए कि नहीं इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेरेंटिंग इट्स हेल्पिंग द पेरेंट्स बी बेटर ह्यूम इज़ वेल राइट और जब मैंने आपका काम देखा अहमद तो इट वॉज़ वेरी इन सिंक वो आई एम डूइंग लोगों को जो कहते हैं ना कि उनकी चाबी दिमाग की दिल की खोलना राइट right? तो मुझे लगा कि नहीं हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए और हमें लोगों से ये बात करनी चाहिए कि हमारे माशरे में कौन सी चीज़ें जो हम बार बार रियाकरिंग देख रहे हैं जहाँ पर लोगों को हेल्प की ज़रूरत है जो जिनको कहते हैं न कुछ डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं और हम उनके सोल्यूशन देना चाहते हैं तो बिस्मला करते हैं ज़रूर तो हमने जो पहला टॉपिक डिसाइड किया था वो था सेल्फ कंपेशन का क्यों ज़रूरी है इसका मतलब क्या है अब आप मुझे बताएं कि आपकी नज़र में आप अपने क्लाइंट्स को स्टूडेंट्स को भी आप सेल्फ कम्पेशन के बारे में कैसे सिखाते हैं क्या कहते हैं <laughs> वो अच्छा सवाल है कि इससे पहले पूछना जरूरी है कि ज़रूरी क्यों है लाइक वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू हैव सेल्फ कम्पैशन या सेल्फ लव या और आसान के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम जब तक खाम ख्यालों में रहेंगे विशफुल थिंकिंग में रहेंगे रियलिटी से दूर रहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि लाला लैंड से वापस कैसे आना है ला 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 लैंड या। ठीक है और वी कैन हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड स्टेइंग इन लाला लैंड एक फिल्म है इंसेप्शन हाँ। उसके अंदर भी एक सीन आता है कि पीपल गो टू तो स्लीप इन देयर ड्रीम्स टू लिव द लाइफ और एक बंदा कहता है ये सारे जंकीस की तरह सो रहे हैं हाँ। तो कहते हैं कि दे आर वेक हु आर यू टू से वॉयस वो उसी स्लम्बर में खुश हैं तो बहुत से लोग अपने स्लंबर में और अपनी कंपैशन लेस लाइफ के अंदर ना अपनी सेल्फ मिजरी में खुश होते हैं yes. लेकिन दे आर दे बिकम बेटर बेटर तो व्हेन पीपल कम टू मी मेरा पहला काम ये होता है कि मिट्टी झाड़नी होती है ऊपर से इतने सालों की और फिर अंदर से देखना होता है कि हर किसी के अंदर एक छोटा बच्चा होता है जिसको प्यार चाहिए होता है mm -hmm. और जब उसको प्यार कहीं से नहीं मिलता अपनी ज़ात से नहीं मिलता तो वो फिर रिस्की बिहेवियर्स गलत सोचें और सेल्फ हार्म की तरफ चले जाते हैं और ज़िंदगी को फुल पोटेंशियल पे नहीं जीते तो टू आंसर योर क्वेश्चन सेल्फ कंपैशन इसलिए ज़रूरी होता है कि जिंदगी अच्छी जी जा सके वेरी ब्यूटिफुल आंसर शॉर्ट स्वीट एंड मीनिंगफुल कि जिंदगी अच्छी जी जा सके क्योंकि मेरे, मुझे भी यही लगता है कि लोग कहते हैं कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है मैं कैसे एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती हूँ या जी सकता हूँ या मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छी ज़िंदगी जीएँ तो मुझे उनको आ, क्या कुछ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है एंड एंड वन आई स्पीक विद मदर्स स्पेशली तो मुझे ये समझ आती है कि हमारा प्यार बड़ा सख्त है मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी डाइट खाए या हमारा बच्चा तो हम उसको इतना गुस्सा करके और इतना दौस और इतनी मार मॉर्किट के साथ उसके साथ जो हम प्यार कर रहे हैं वो हम कर रहे होते हैं फिर मैं और ये मेरे साथ भी मसला था और फिर मैं वेन आई वॉन्ट टू माई लर्निंग जर्नी मुझे आई अंडरस्टूड कि अल्लाह अला तो कम्पैशन की बात करते हैं अल्लाह इज़ अहमैन अल्लाह इज़ अहीम ही टॉक्स अबाउट कम्पेशन प्रोफेसर वालम इज़ द मोस्ट वर्सीफुल बींग दैट एवर वर्क ऑन अर्थ अच्छा अब ये सारी बातें हैं लेकिन ये हम खुद पर लागू क्यों नहीं करते मतलब हमें ये क्यों लगता है कि ये हम से बाहर की बातें हैं ये रब की बात है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है पर ये हमारी बात नहीं है या ये हमने किसी के साथ करना है और फिर मेरा सबसे बड़ा सवाल होता है मैं कहती हूँ यार घर से नहीं शुरू करोगे अपने आप से नहीं शुरू करोगे किसी और को दे रहे हो तो वो क्या है फिर बनावट है ना कभी ना कभी तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा वो बनावट का जो आप एक खॉल आपने वो, वो किया वो वंस यू बिकम कम्फर्टेबल विद समबरी ऑफ एग्जैक्टली तो जो मैं उनको सिखाती हूँ मैं कहती हूँ कि ठीक है लत स्टार्ट विद दिस जब हम राइटिंग रॉटिंग एक्सरसाइजेज़ जर्नलिंग एक्सरसाइजेस कर रहे होते तो कहती हूँ कि अच्छा ठीक है अपने बारे में पाँच अच्छी बातें लिखो तोड़ते हैं कभी कभी हंसा लगाती है मैं अपने बारे में कुछ अच्छा लिखूँ hmm. मैं लिखूँ कि मैं कुछ अच्छी हूँ ये बुरी बात तो नहीं है आप बल्कि मुझे ये तो नहीं कह रही कि मैं अपने बारे में प्राउड हो जाऊँ hmm. या मैं कहूँ मैंने कहा नहीं मैंने ये कब कहा मैं सिर्फ कह रही हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर अच्छी चीज़ें क्या हैं और जो बहुत ज़्यादा परेशान लोग होते हैं वो कहते हैं मेरे अंदर तो कुछ अच्छा ही नहीं है या वो ये कहते हैं मेरे बच्चे कहते हैं मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरी वालदा कहती हैं मेरी सांस कहती हैं मेरे अंदर तो कुछ अच्छा ही नहीं है या अगर मेरे अंदर कुछ अच्छा होता तो क्या मैं यहाँ पर होती एंड आई एम लाइक ओके वो कहते हैं यू हैव टेकन दैर आप यू हैव क्रिएटेड अ लिमिटिंग बिलीफ यू हैव क्रिएटेड एन अम्पन अबाउट यू बट ऑनेस्टली खुद क्या हो जिसको कहते हैं ना खुद से मिलना मुझे लगता है सेल्फ कंपेशन आ भी नहीं सकता जब तक आप अपने इनर इनरशाइल से अपने आप से ना मिलो हैव हैव दी ऑफेंट्रिस जिससे यू नो वर्ड अलमदुल्लू सब तशफुलमखलूक़ात बनाया अलहमदल्ला मुसलमान हूँ अलहमद ला जो 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 भी हमारे पास ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं बी स्टार्ट विध दैट एट स्टार्ट विध दैट ग्राट्यूड माइंड सेट कहीं से भी थोड़ा सा भी आपकी क्या राय इस बारे में बात आपकी बिल्कुल बजा है uh, mm -hmm. आपने बात शुरू की कि हम uh, अपने बच्चों को प्यार भी सख्ती से करते हैं कि खाओ वेजिटेबल्स और ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए हम एक बात अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे नबी ने अलैहि वसल्लम वा, ने बाय एग्जांपल और प्रैक्टिस ज़्यादा प्रीच किया हाँ। अब ये हो नहीं सकता कि मैं कमरे में बैठ के सिगरेट पी रहा हूँ और बच्चे से कहूँ बेटा तुमने नहीं पीनी सो इफ़ आई हैव अ बैड लाइफ स्टाइल आई के नॉट एक्सपेक्ट माई चाइल्ड टू हैव अल्दी लाइफ पर हम ये चाहते हैं बच्चों के लिए अब आपने पूछा कि ऐसा क्यों कर, अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते वन रीजन फॉर दैट इज़ कि हम बच्चों को अपनी एक्सटेंशन समझते हैं दे आर आर एक्सटेंशन एंड दे आर आर आइडियल सेल्फ सो एवरी इम्प्योरिटी विच आई कैरी शुड नॉट ट्रांसमिट इन टू दैट एंड दे शुड भी अनब्लेमिश ऐसा कोई मजाक नहीं है ऐसा कोई मजाक नहीं है आप हम जो करेंगे वो ही वो करेंगे छोटे uh, बच्चे, बच्चे होते हैं, हमारे पंजाब में बहुतियां है, हाँ. कितना, हाँ. कितना क्यूट है ना बच्चा विल गेट हाँ. और जब वो बड़ा हो के साथ आठ साल का हो के गाली देगा तो देन इट हिक्रिक एंड एट दैट टाइम सिंपली से आप भी तो देते हैं और हम चाहते कुछ हैं। हम बच्चों का भला तो चाहते हैं लेकिन अपना भला नहीं चाहते, अपना भला नहीं चाहते।, अपना नहीं चाहते। बच्चे वेजीज खाए और मैं फ्राइड फूड खाऊं बच्चे मेरे रात को टाइम से सोएं मैं तीन बजे तक उल्लुओं की तरह जाके रील्स देखता रहा यू यू आपको पता है मैं आ, अपनी हमेशा मेरा जो एक होता है मैं जस्ट बिकॉज आई एम मई लाइफ कोच जस्ट बिकॉज आई एम मई पेरेंट कोच आई टल माई क्लाइंस मीन आई एम नॉट ह्यूमन एनी मोर राइट और मैं आज भी ये कहते कहते कभी अब तो खैर मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है लेकिन एम्द आई रिमेंबर दिस जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना और मैं उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल सिखाने की कोशिश करी एज अ अटर की अर्ली राइजर्स बनो या रात को लेट नहीं सो या डाइट अच्छी खाओ या स्किन के लिए ये अच्छा है hmm. तो मैंने देखा कि आई वुड टेल टेम बिकॉज माई जर्नी स्टार्ट लेट लाइक इन माई स्टर्डीज़ ठीक है माई माई सेल्फ लर्निंग जर्नी को कहते हैं तो मैं पता क्या कहती थी मैं कहती थी मैं थर्टी सम ईयर्स की हूँ और मैं अब मुझे आगे ये चीज़ें समझ आ रही हैं लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों के साथ ऐसा हो इसलिए मैं तुम लोगों को अभी सिखा रही हूँ मुझे अपनी एग्जाम्पल मत बनाना आई एम मैं सीख रही हूँ और साथ साथ सिखा रही हूँ एंड आई एम ऑन माई जर्नी एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड डू दे लर्न एंड डू दे अंडरस्टैंड एबसोल्यूटली यस एन फैक्टर फैक्टर डू दस के हमने होम स्कूलिंग भी की दे रिमेन वेरी क्लोज टू मी हम हमेशा मतलब कि हमने वर्ल्ड ट्रैवल किया या विद इन यू एस ए हम ट्रैवल करते हैं काफ़ी ज़्यादा उनकी स्कूलिंग भी साथ साथ चलती रही तो मैंने और आमिर ने क्रिएट किया ऐसा इन्वामेंट उनके लिए जहाँ पर हमारा कनेक्शन उनके साथ अच्छा हो लेकिन वापस सेल्फ कम्पैशन की बात पर मैं आ रही हूँ कि मुझे भी पता है कि मैं खुद को भी कम्पैशन लेती मैं एक बड़ी प्राइवेसी बात बताती हूँ कि पता नहीं मैंने अपने आप को ना मुझे है बचपन से ये हमारा एक होता है कि जी मेरी गलती है और हाँ मैंने ही स्ट्यूपर मिस्टेक की और पता नहीं वाई एम आई सो स्ट्यूपर एंड वाई डू आई डू दस एंड अब मेरी जो बच्चे हैं ना वो मुझे कहते हैं ममा वन यू डू दस यू नो हमें बहुत बुरा लगता है हमें बहुत बुरा लगता है बिकॉज वी डोंट सी यू लाइक दैट इवन इफ यू फील कि आप ये कर रहे हो या आपकी गलती है ऑनेस्टली सारी गलती है आपकी नहीं होती हमेशा Even in your bad decisions. You're just making a calculated decision. And that can be good or So stop bringing yourself down. One of my going he feels very bad. please stop doing this. Just stop it. And again, she's also reminding me that if you're talking about self-compassion, then show self-compassion And in my book, I talk about this a lot. I say like one of the chapters is like self-compassion with Taqwa. When God can forgive और रब माफ़ करने का वादा रखता है और करता है और बार बार हमें चांसेस देता है तो फिर हम क्यों अपने साथ इतने सख्त हों हमें अपने साथ थोड़ी सी नरमी करनी चाहिए पर अहमद यहाँ पर पता नहीं आपके जहन में कोई बात अगर आई है तो आप वो ज़रूर कीजिएगा लेकिन एक चीज़ आ, मैं आप आप कहूँगी कि आप हाईलाइट कर दें कि लोग कभी कभी ये कहते हैं कि सेल्फ कम्पेशन को बिल्कुल ना बिल्कुल ही लीनेट ले लेते हैं अब मतलब कि हम जो कर रहे हैं फिर हम अपने साथ हमें अच्छा लग रहा है तो हमें अब ये करते ही रहें

प्लीज so के uh, अगर कोई ये कहता है कि डू वोट एवर गुड तो फिर आप हराम के लिए अनसेफ चीजों के लिए बहुत सी चीज़ों के लिए रास्ते खोल रहे हैं yeah. और वो लामोला आपको फिर जायनाज पे या थेरेपिस्ट के पास ले आएगी बात ठीक तो देर कैन बी नो सेल्फ कम्पैशन विदाउट डिसिप्लिन थैंक यू सो मच प्लीज मजीद बोलें इस पर <laughs> तो देर इज़ नो हायर फॉर्म ऑफ सेल्फ लव दैन डिसप्लिन मुझसे आज सुबह किसी का सेशन था खातून पूछ रही थी हाउ डू आई स्टार्ट माई जर्नी इन सेल्फ़ लव मैंने कहा कि कोई बंदा भी एक दिन उठ गया इसने इसने ये नीयत नहीं की कि मैं कल से तहजद पढ़ूँगा यू कैन नाट हैव अ लाइफ स्टाइल विदाउट सर्टन डिसिप्लिन एंड देन एक्सपेक्ट कि आप रोज़ तहजद पर उठें जी बिल्कुल यू है और उससे पहले बहुत सारे प्री रिक्स है ना आप पहले पांच सौ सीधी करें अपनी बेशक उसके बाद जिंदगी के बाकी मामला इतने इंसान बने कि उसके बाद आपका दिल करे नहीं रात को भी उठ के करना है हाँ। अंदर से आवाज आए तो फिर तो आप तहज पे उठ सकते हैं पर उसके लिए कितना सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए वो सेल्फ डिसिप्लिन की छोटी छोटी ईंटें हैं छोटी छोटी ईंटें हैं जिसके ऊपर जाके सेल्फ कंपैशन फिर आखिर में ना एक फॉर्म लेता है व्हाट पीपल बिलीव इसके हमें थेरेपी में आ गए हैं अब यहाँ थेरेपी और थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर में फर्क भी आता है मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेट्स यू एंड देन यू फील गुड अबाउट इट ये भी एक छोटा सा चुचू सा होता है। अब उसको उस मोटिवेशन स्पीकर ने तो पैसे जेब में डाला असल आउट नाउ यू आर स्टाक Uh, with even less money than you had initially. <laughs> and now you're stuck. Oh, like what do I do now? Yeah. So I suggest that. Don't spend so much money on therapists even. How? If you have just this one problem. Mm -hmm. Start with very, 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 very small changes in life. Very small. Building habits. Yeah. Yes. Because habits make self-compassion come true. Absolutely. You cannot have. I say I have self-love. then I go eat a lot of nonsense food and then I lie on the couch. I have self love. No, this is no self love. <laughs> this is no self love. This is filling in the void. Yes. This is filling in the emptiness. Yes. Basically. So and then people also have this that nothing in life is going my way. How can I find self love? Yeah. So. मुझे अरबी तो नहीं आती लेकिन कोई आयत है से कुरान में जिसमें कि हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया हाँ। लकद नॉट श्योर sure. लेकिन, लेकिन इस तरह की कोई आयत है सही बट तर्जुमा उसका हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है हाँ। मुशक्क़त जिंदगी का हिस्सा है हाँ। अब हम कहेंगे कि नहीं पहले नॉमन तेल होगा फिर राधा नाचेगी ऐसा नहीं हो सकता नहीं हो सकता हम इसी टेस्ट के अंदर ही देखना है कि यार हम कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं 100%. जिस दिन तबीयत खुश होती है उस दिन तो सारे वॉक करने चले जाते हैं yeah. जिस दिन जिसम टूटा होता है एक होता है टूटा yeah. एक होता है उससे भी ज्यादा टूटा टूटा जिस दिन जिसम टूटा होता है उस दिन देखा जाता है कौन उठता है uh, आपकी इस बात से ना मुझे याद आया कि देर वॉज एकदम से मुझे नाम उस बंदे का भूल गया है ही इज साइंटिस्ट एंड ही हुबरमैन एग्जैक्टली yeah, yeah. yeah, exactly, और आ, उसकी लैब में मतलब वो डिफरेंट तरह की बातें पॉडकास्ट में डिफरेंट तरह की बातें करता है तो एक उसका मैंने क्लिप देखा था सेल कि अब साइंस ने फाइंड आउट किया है कि ब्रेन में ना एक बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पर डिफ्रेंस पता यहाँ पर आता है रिजिलियंस का कि जो लोग वो टुटी हालत में अपने आप को पुश करते हैं ना कि नहीं मैं उठ के ये कर लेता हूँ राइट वो एक टर्निंग पॉइंट है किसी भी इंसान की हैबिट बिल्डिंग में उसकी ज़िंदगी के लाइफ uh, स्टाइल की क्वालिटी चेंज में और जो लोग वो कह रहे थे कि एथलीट्स में और आम लोगों में क्या फ़र्क होता है वो कैसे एथलीट्स अपने आप को पुश करते हैं कहते हैं हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत कुछ देखा अल्लाह अला सुबर हम तारा ने आफकोर्स वो वो तो नहीं कह रहा कि अल्लाह अला सुबह ने लेकिन हमें समझ आ रही है कि अल्लाह अला सुबह ने हर ह्यूमन में ये कैपेसिटी रखी है एंड इन एवरी फॉर्म एंड एवरी लाइक एरिया ऑफ लाइफ इफ़ यू वॉन्ट टू इफ़ यू पुश योर सेल्फ़ A little bit further than you think you're capable of, that chemical change helps you on a better path. It it, it motivates you, it keeps motivating you. Or there to level, 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 level. But again, it all boils down to that word that you used discipline. Yes. Uh, one small thing, uh, baat ko yeah. add karne mein, uh, because you have a, a little religious perspective to things. So, us, I thought that I share this. कि जो कहा जाता है कि मुनाफिक में क्या फ़र्क होता है मोमेंट में फ़जर और इशा की नमाज़ होती है बिकॉज दार्डेस्ट सो इमेजिन वन जोहर असर मकर मीठे मीठे पढ़ लेते हैं लेकिन इशा सत्रह और वो भी रात को इमेजिन सर्दियाँ हैं और अब रज़ाई में घुसे हुए हैं दैट इज़ सेल्फ़ डिसिप्लिन बट इसी जब आप पढ़ लेते ना तो अंदर से हल्की सी हाँ चलो हो गया पैट ऑन द बैट इफ यू डोंट डू दैट तो अंदर से ना सारे रात गिल्ट रहते हैं एंड आई नो पीपल जब फिर रात को उनको नींद नहीं आती नींद हाँ। उठ के वो पढ़ के फिर ही सोएंगे तो हैबिट फॉर्मेशन देन अगेन अगर आपने कहीं भी चल रहे हैं वो हैबिट है जो आपको नहीं सोने देगी सेम गोज फॉर वॉक इज बिल लाइक आई नो पीपल बारिश हो रही है हम कुछ साल ना बफलों में है। बहुत ठंडी जगह like उसमें लोग कर रहे थे बर्फ पड़ी हुई है सड़कों पे बर्फ पड़ी हुई है आप फिसल सकते हो आपकी गर्दन टूट सकती है अल्लाह के बंदे या बंदी तुम्हें क्या तकलीफ है हमें फिसल जाओ मामा शर्म कर रहे हैं आप क्या कर रही हैं लेकिन अगेन दे वर मोटिवेटेड फॉर समथिंग दे वर मोटिवेटेड फॉर देमसेल्व्स दे रिस्पेक्ट देयर बॉडी सो मच नाउ इफ यू रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड इफ यू रिस्पेक्ट योर सोल यू विल नॉट टार्निश इट बाय एनी इविल और एनीथिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर इट सो ये सेल्फ कंपैशन हां ये है सो हमारी पूरी सेल्फ कंपैशन का क्रक्स ये है कि तकवा और डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग इट्स नॉट ईजी पर ये किसी और ने आपका हाथ पकड़ के नहीं करना ये आपने खुद करना है आपने बार बार कहा स्टार्ट विद द टाइनिस्ट ऑफ द हैबिट अपना एनवायरनमेंट वो बनाओ फिर जो आपके लिए कंट्यूसिव हो उस डिसिप्लिन को कैरी करने के लिए उसके अलावा exactly. अगर आप कुछ और कहना चाहें बिफोर वी रैप ये चल ठीक है थैंक यू सो मच